हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग छुट्टियों पर इस वक्त होंगे, ठीक है ना? तो छुट्टियां अच्छे से मना रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई को एक एंजॉयमेंट के साथ करिए। पढ़ते भी रहिए और एंजॉयमेंट भी करते रहिए, ठीक है ना? बस जो हमारे यहाँ महामारी चल रही है कोरोना, उससे थोड़ा बच के रहिए सभी लोग। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है हेलो एरिन्स का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो जो हमारे यहाँ चैप्टर में जो हमारे हेलोरिन्स दे रखे हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखेंगे। तो हेलोरिन्स जो हैं, वो तीन प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। एक देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी है रिएक्शन विद मेटल। तो ये तीन प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं हमारी, हेलोरेंस इस प्रकार ये तीनों क्रियाएं देते हैं। सबसे अच्छी ये रिएक्शन देता है हेलोरेंस, फिर ये वाले, फिर ये वाले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ा था, ठीक है ना? हेलो एल्केन में भी पढ़ा था ये टॉपिक हमने, याद है? ये टॉपिक हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ा था। नहीं याद आ रहा है तो इसको याद करिए अच्छे से। हेलो एल्केन में इसको हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ जानकारी दे दूं, उसके बाद में जो है आप ये हेडिंग डालना, ठीक है? जब मैं बताऊं तो समझिए पहले ध्यान से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ बताता हूं मैं हेलोरिन्स के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन के बारे में, तो क्या था? आर एक्स था, एक न्यूक्लियोफाइल आता था, इसे हटाता था और उसके स्थान पर वो स्वयं लग जाता था हेलो एल्केन में। ये मैं बात कर रहा हूं हेलो एल्केन में, ऐसा होता था, आप लोगों ने देखा था, नहीं याद है? चलिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। आपने C2H5Cl लिया, उसकी अभिक्रिया NaOH एक्वस के साथ करवाई। आपको पता था यहाँ पे जो OH है हमारा, वो एक एक्वस मतलब OH की एक न्यूक्लियोफाइल की बात अटैक करेगा, तो ये Cl आपका अलग हो जाता था और यहां पर C2H5OH प्लस NaCl, या आप यहां पे OH ले लीजिए। तो ये रिएक्शन थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, इसमें हेलो एल्केन के लिए। तो हेलो एल्केन में क्या होता था, ये वाला जो एक्स हेलोजन परमाणु था वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हटाया जाता था, मतलब ये वाला बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच में। देखिए, अभी मैंने C2H5 लिखा था तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा और यहां पर एक हेलोजन जुड़ा होगा। तो देखिए, हेलोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो बस यही पॉइंट समझना है कि इस बॉन्ड को मैं तोड़ना है, जैसे कि मैं आपको इसमें समझाता हूं। ये आपने हेलोरिन्स ऐसे बनाए थे, यहां पे एक्स जुड़ा था, अब कोई न्यूक्लियोफाइल आए और इस वाले बॉन्ड को तोड़े और वहां पे जुड़ जाए, यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए और हेलोजन हमारा अलग हो जाए, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। लेकिन
जो हमारे हेलोएरिन होते हैं ये रिएक्शन बहुत ही स्लो यानी कि मंद गति से और कुछ तो करते ही नहीं है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे तो होगा ही नहीं ये वाला। तो यानी कि इतनी स्लो क्रियाएं हमारे किसी काम के नहीं, और ये कभी कभी होती भी नहीं है, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को तोड़ पाए। तो ये बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ पाता है, क्या रीजन है उसका, ठीक है ना। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें होती है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ बातें यहाँ पर क्लास 11th की, फर्स्ट ईयर की आएंगी, जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है उसी की वहां यहाँ पे कुछ मैं बातें करूंगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये मुझे बताओगे कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, बताना जरूर है, वरना फिर मैं आपको, मैंने कहा था ना क्लास 11th फर्स्ट ईयर उसके जो टॉपिक है वो अपने क्लियर करिए, ठीक है ना, जो भी समस्या हो बताइए मुझे, रटना नहीं बेटा। आपने कोचिंग में पढ़ लिया रट लिया वो सही नहीं है रटना, अगर किसी ने दूसरा कुछ पूछ दिया ना तो बेटा आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ लीजिए। अभी मैंने बताया ना कि अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो बताइए मुझे। तो देखिए यहां से अगर मैं आपसे एक बात करूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी, हेलोएल्केन में या हेलोएरिन्स में, तो आप क्या बताओगे मुझे किसमें ज्यादा होगी। हेलो एल्केन में ज्यादा होगी क्योंकि ये वाला बॉन्ड सरलता से टूटता है, जबकि ये वाला बॉन्ड जो है सरलता से नहीं टूटता है। तो ये क्यों नहीं टूटता है, क्या रीजन है, क्या कारण है, ये सब कारण मैं बताऊंगा। इसमें क्यों नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन होती है, कह सकते हो आसानी से सरलता से क्यों नहीं होती है, अबक्रिया धीमी क्यों होती है, ये सब बातें मैं तुमको यहां पे बताऊंगा। तो आज का टॉपिक थोड़ा क्लास 11th का है, और जब मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो इसमें रिएक्शन होंगी। अगर आपने ये समझ लिया ना जो मैं आज समझा रहा हूं, अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो इसके जो है आपके कई कारण है बताऊंगा, एक दो कारण मैं तुम बताऊंगा स्पष्ट भी करूंगा। तो ध्यान सुनना मेरी बात कि मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे। तो मैंने पॉइंट बता दिया है कि हेलो एल्केन में ये ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक, और हेलो एरिन्स में ये कम होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ बातें पूछता हूं, अगर आपने पढ़ी है तो बताना, नहीं पढ़ी है तो बताना। कंजुगेशन 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 पढ़ा आप लोगों ने या नहीं पढ़ा बताओ, बोलो पढ़ा है। संयुग्मन पढ़ा है, कंजुगेशन नहीं पढ़ा है, समझाता हूं अच्छे से समझाता हूं फिर, है ना। इसमें दूसरा है कंजुगेशन में, अगर कोई दिक्कत नहीं तो क्लास फर्स्ट ईयर में ये आपका है, आप क्लास फर्स्ट ईयर में जाकर आप इसको देख सकते हैं। मेजो मेरिक इफेक्ट, क्या आपने ये पढ़ा है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है, आप अच्छे से देख लीजिए पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो संयुग्मन क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको, ध्यान सुनना है मेरी बात को, ठीक है ना, ध्यान सुनिए मेरी बात को, मैं क्या समझा रहा हूं। कंजुगेशन ये एक घटना है, मतलब ये कह सकते हो प्रक्रम है, अगर ऐसा होगा तभी ये होगा, अगर ऐसा होगा तब जाकर ये होगा, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। तो ये है या नहीं है पहले इसका पता लगाइए, उसके बाद में मेसोमेरिक इफेक्ट लागू होगा वहां पे। कंजुगेशन नहीं है तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, कंजुगेशन है तभी मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा, बात को समझिए, मैं आपको ध्यान समझाता हूं। देखिए सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी
सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर। पॉइंट क्लियर। ऐसे में दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर एच। पॉइंट क्लियर है ना? ये अगर समझ में आया ना, आगे की रिएक्शनें आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएंगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। समझिए ध्यान से मेरी बात को। ये देखिए, यहां पर भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है एलपी, और यहां पर भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है एलपी। तो देखिए, जिस पर लोन पेयर हो, या इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जिस परमाणु पर पाई इलेक्ट्रॉन हो और वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, क्या बोला मैंने? जिस परमाणु पर पाई इलेक्ट्रॉन हो और डबल बॉन्ड, यहां पे जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जो क्रम है वो एकांतर क्रम है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। जहां पर एकांतर क्रम होगा ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला, वहां पे कंजुगेशन होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होने चाहिए, उसके बाद में लोन पेयर है। तो वही मैं बता रहा हूं कि यहां पे देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में तो है, बॉन्ड हमारे एकांतर क्रम में है, अल्टरनेट पे है हमारे। लेकिन यहां पे एक पॉइंट बता रहा हूं कि जिस परमाणु पे लोन पेयर होंगे, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अगर डबल बॉन्ड पे जुड़ा है तो वो कंजुगेशन में नहीं है। क्या बोला वो? अगर कोई परमाणु ऐसा है जिसमें बॉन्ड एकांतर क्रम में है, लेकिन जिस परमाणु पर लोन पेयर यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उस पे कंजुगेशन यानी कि संयुग्मन नहीं होगा, संयुग्मन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है ना? अब देखिए, अगर बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एकांतर क्रम में है, एकांतर क्रम में है, और जिस परमाणु पर लोन पेयर यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, ऐसे कंपाउंड पे जो है हमारा कंजुगेशन होगा, ऐसे परमाणु में हमारा कंजुगेशन होगा। अब जिसमें कंजुगेशन होगा उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, ठीक है ना? मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। क्या पॉइंट ये हमारा क्लियर है आपके दिमाग में? अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना? अच्छे से देख लीजिए आप। हो गया ना? देख लिया? चलिए, अब मैं कुछ आपको बातें बताता हूं, यहां से ध्यान सुनिए मेरी बात को, ठीक है ना? मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, अनुनाद प्रभाव भी बोलते हैं। इसको हम अनुनाद प्रभाव क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पर कंजुगेशन होगा वहां पर मेसोमेरिक होगा, और मेसोमेरिक में अनुनाद होता है। अनुनाद मतलब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना, अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं वो, और उस घटना को अनुनाद बोलते हैं। याद है ना अनुनाद प्रभाव? क्लास फर्स्ट ईयर, इसीलिए मैंने कहा क्लास फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। कुछ भी छोड़ा होगा तो यहां पे आपको दिक्कत होगी, तो मैं समझाता हूं आपको, ध्यान समझिए। हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये था। देखिए इसमें क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, एक सिग्मा एक पाई होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों को एक इस कार्बन ने ले लिया और फिर एक इस कार्बन ने ले लिया। ध्यान समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। देखिए यहां पे मैं क्या समझा रहा हूं, समझिए। CH2, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है तो ये पॉजिटिव हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये निगेटिव हो गया, और इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन है। फिर यहां देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है ना? अब क्या हुआ, CH2 + CH -
प्लस सी एच टू माइनस। अब देखिए आगे, अब क्या हुआ, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे किए दिया, दान किया, तो इसने दिया पॉजिटिव, इसने लिया नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा इसने और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ये, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड सी एच और सी एच के बीच में आ जाएगा, तो सी एच टू प्लस सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और यहां पर आपका है लोन पेयर, ठीक है ना। यह है हमारा अनुनाद, ठीक है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्लियर है ना। ऐसा भी इसमें हो सकता था, मैं दूसरा दिखाता हूं आपको, यहां पे, ठीक है ना, मैं आपको ये चीज एक घटना और यहां दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से, यहां पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या हुआ हमारा, आप अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते ऐसे, ठीक है ना, तो क्या होता है, यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये हो जाता हमारा निगेटिव, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लिया है निगेटिव और इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव। इसके बाद में आगे आ जाइए, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो अब क्या हुआ कि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां दान किया, मतलब इस कार्बन को दिया, तो मतलब इनके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, सी एच टू माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और इस पर प्लस हो गया। ये पॉइंट समझ में आया आपको कि यहां पर जो हमारे पास में जो कंपाउंड था वो एक सममित था, सिमेट्री, देखा इधर 20 से काटिए, इधर और इधर बराबर है, सिमेट्रिकल है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन हमारे किस तरफ गमन करेंगे वो देखिए, मेरी बात को सुनना, ध्यान समझना, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, ये जो हमारा अनुनाद है ये वहीं से शुरू होता है जहां से पाई इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, ठीक है ना, जहां पर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होगा ये घटना वहीं से शुरू होगी। तो अब इसमें देखना है ये आपको कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है कहां पर, देखो इसमें कहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड इसमें कहां पर है, बोलो, ये देखिए डबल बॉन्ड यहां पर है, तो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसकी दो घटनाएं दिखाई हैं आपको, समझे, इसीलिए मैंने इसकी दो घटनाएं आपको दिखाई हैं। ऊपर भी देखिए, इस तरफ भी तो आ सकता था इलेक्ट्रॉन, अगर उधर जा रहा है तो इस तरफ भी तो आ सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरफ भी रखा है, पॉइंट क्लियर, क्लियर है ना मेरा पॉइंट, अनुनाद, और इसको जो है आपने क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से समझा भी होगा, नहीं याद है तो थोड़ा आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हो, एक बार देख सकते हो इसको, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से जाके वहां समझ लीजिए एक बार। तो मैंने जो बताया है कि मुझे जो ये तीर लगाना है, ये कहां से लगाना है, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा ये वहीं से स्टार्ट होगा, बस ये पॉइंट याद रखना है, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध, जहां से द्विबंध होगा वहीं से ये स्टार्ट करना है हमें, तो देख लीजिए इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अगर सममित वाला है तो आप कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर असममित वाला होता तो जहां पे डबल बॉन्ड होता वहीं से स्टार्ट करते हम,
पॉइंट क्लियर हो गया ना हमारा? दिमाग में जो मैंने बातें बताया आपके दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? तो ये हमने क्या बताया आपको, मेसोमेरिक इफेक्ट या अनुनाद। अब मैं आपको इसमें कुछ समझाता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात, समझिए ध्यान से, नोट हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है ना? देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को, समझिए। देखिए भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, दिया था ये वाला एग्जाम्पल कि नहीं? और ऑक्सीजन पे लोन पे है, ठीक है ना? तो अगर अगर मैं इसकी बात करूं, और देखिए मेरा मेरे पास में दूसरा क्या था, थोड़ा मैं चेक कर लूं कि ये वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना? इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब देखिए एक दना हमारे पास ये थी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वाला परमाणु और H। अगर जिस पर जिस परमाणु पर लोन पेयर हो और वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो तो वो कंजुगेशन में नहीं होगा, कंजुगेशन में नहीं होगा, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे पाई इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ नहीं शिफ्ट करेगा, ठीक है ना? वो अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट नहीं करेगा, जबकि वो इलेक्ट्रॉन को खुद खींचेगा, वो पाई इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉनों को खुद खींचेगा। लेकिन अगर कोई परमाणु जिस पर लोन पेयर हो और वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो और वो कंजुगेशन में हो, तो ये कंजुगेशन में है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ लोन पेयर वाला परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अगर लोन पेयर वाला परमाणु कंजुगेशन में है तो वो अपने से इलेक्ट्रॉनों को दूर करेगा। पॉइंट क्लियर, यही बात आपको समझानी थी मुझे, ठीक है ना? क्लियर ना? तो जैसे ये इलेक्ट्रॉनों को यहां दान करेगा तो ये जो कार्बन है तुरंत ये इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट करवा देगा। अब ध्यान समझना मेरी बात को, मैंने क्या कहा यहां पर, देखिए इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए तो ये हो गया माइनस, ठीक है ना, और ये हो गया प्लस, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे क्या बनने लगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना? इसने इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है ना, पाई बॉन्ड को तोड़ा तो यहां पर क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये चला गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। बात क्लियर है ना? या बताओ इसको मैं अलग अलग समझा दूं, ठीक है ना? चलिए देखिए इसको अलग अलग समझ लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो पहले इसको समझते हैं, इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा, ठीक है ना? तो यहां से जो ये पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा, पहले इसको समझिए, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड O, दो लोन पेयर थे, दो इलेक्ट्रॉनों के समय और खींच लिया, ये हो गया माइनस चार्ज। क्लियर? फिर क्या होगा यहां पे, आगे घटना देखिए, अब क्या हुआ, अब इसने जो है अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन को दान कर दिया, तो यहां देखिए ये दे रहा है पॉजिटिव, ये ले रहा है निगेटिव, तो हो गया CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH निगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, और फिर सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर, माइनस,
अब क्या करेगा, अब ये वाला कार्बन यहां इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा था तो इस पे हो गया पॉजिटिव, इस पर हो गया पॉजिटिव, इस पर हो गया पॉजिटिव। अब ये वाला कार्बन यहां इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां दान करेगा तो ये देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि एक पाई बॉन्ड बन गया। तो इस वाले में घटना ये होती, इलेक्ट्रॉनों को प्रबल विद्युतीय तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है जब वो कंजुगेशन में नहीं होता है। अगर वो कंजुगेशन में है तो वो इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा, देगा। तो इस स्थिति में देखिए क्या हुआ, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच इलेक्ट्रॉनों को लिया है, माइनस चार्ज, माइनस ओ इलेक्ट्रॉन दिया है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तुरंत पाई इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। ये घटना एक में ही होती है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग दिखा रहा हूं बेटा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये हो गया निगेटिव। अब देखिए ये माइनस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था हमारा, अब इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। मेरी बात को समझना ध्यान से, ठीक है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन इसने दे रहा है, ठीक है ना, इस वाले को। तो ये क्या करेगा, ये फिर से जो है जो इस इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे, इसने इलेक्ट्रॉन लिया था ना इसके पास से, तो ये फिर से इसको दे देगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे दान कर रहा है, क्लियर है ना पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे दान कर रहा है। ये बात को आपको समझना है ध्यान से अच्छे से, ओके ना। तो यहां पे आपको क्या नजर आया, ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे दान करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका बेटा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और तुरंत ये इलेक्ट्रॉनों को कहां शिफ्ट कर देगा, यहां। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये तो था तीन और ये कैसा होगा, माइनस, ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, इन दोनों को भी डबल डबल बॉन्ड आएगा, तुरंत ये पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये हो गया। ये रेजोनेंस अनुनाद दिखा रहा है ये भी, लेकिन ये कंजुगेशन में है और ये कंजुगेशन में नहीं है। तो पहले मुझे ये पता लगाना है कि किसमें संयुग्मन हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है। तो पहचानने का तरीका मैंने बता दिया आपको, जिस परमाणु पे लोन पेयर होंगे अगर वो परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो कंजुगेशन में नहीं है, जिस परमाणु पे लोन पेयर है अगर वो परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो वो कंजुगेशन में है। अब वो इलेक्ट्रॉनों को जो कंजुगेशन में है वो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर करेगा, जो कंजुगेशन में नहीं है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है पॉइंट। इसको आप नोट करते जाइए, आप लिखते जाइए रासायनिक गुण में, आप इसको लिखते जाइए, ठीक है ना, क्लियर है मेरा पॉइंट। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट अभी समझते जाइए इसमें, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाना है, वो भी अनुनाद। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कंजुगेशन, और इस टॉपिक को जो मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे बेटा, वरना रिएक्शन में दिक्कत होगी आपको। आप समझिए, यहां पे लगा है एक हेलोजन, आप जानते हैं कि हेलोजन पे होते हैं क्या, लोन पेयर तीन। तो अब बताओ यहां पे जो हमने ले रखा है कंपाउंड, क्या वो कंजुगेशन में है, पता लगाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर लोन पेयर परमाणु पे है। अब देखिए तुम्हारे सामने स्पष्ट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो मैंने बताया था जिस परमाणु में
एकांतर क्रम में बॉन्ड हो अल्टरनेट पे, और जिस परमाणु पे लोन पेयर हो वो एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो कार्बन से, तो ये भी मेरी बात सही है, यानी कि ये कंजुगेशन में है। अब कंजुगेशन में है तो इसके जो लोन पेयर है वो बेंजीन की रिंग की तरफ होंगे या अपनी तरफ होंगे? सोचो, कंजुगेशन में है, इलेक्ट्रॉनों को दूर करेगा या इस कार्बन को दान करेगा, तो जैसे इस कार्बन को ये दान करेगा तो कार्बन पे चार ही तो बॉन्ड रह सकते हैं, तो यानी कि इन कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगेगा, इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगेगा, तो पांच बॉन्ड हो जाएंगे, तो तुरंत कार्बन अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा, अपने पाई बॉन्ड को इस वाले कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए अपने लिए मतलब दान कर देगा, कह सकते हो दे देगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ वो देखिए, ये वाला बॉन्ड टूटा तो माइनस, यहां पे हेलोजन पे डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने दिया, और यहां पे देखिए दो बॉन्ड बचे आपके, ठीक है ना। अब ये वाला जो कार्बन है इन इलेक्ट्रॉनों को यहां शिफ्ट करता है, यानी कि इस वाले कार्बन को दान करता है, इस वाले कार्बन को दान करता है, तो जैसे दान करता है इस पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होने वाला है, तो यहां पे क्या करता है ये वाला बॉन्ड तोड़ लेता है, ठीक है ना। रेजोनेंस अनुनाद जो बेंजीन की आपने रिंग पड़ी हुई थी, तो ये देखिए क्या बन गया हमारा, डबल बॉन्ड हेलोजन हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये टूट गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और देखिए यहां पे जिसने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं तो ये देखिए ये माइनस हुआ होगा पहले जब दान किया होगा, और ये प्लस हुआ होगा, प्लस माइनस न्यूट्रल, और फिर देखिए इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया फिर से प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, यानी कि यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब फिर देखिए, अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दान करता है, तुरंत ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो इस स्थिति में क्या हुआ वो देखिए, यहां पे बॉन्ड था हमारा, ये इलेक्ट्रॉन इसने दान किया, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दान किया तो यहां पे बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड टूटा तो माइनस चार्ज यहां आ गया, और ये डबल बॉन्ड एक्स हेलोजन लग गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहां ये वाला इस कार्बन को दान करता है, तो इसने फिर से अपना पाई बॉन्ड तोड़ दिया। अब स्थिति देखिए, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां दान किया, यहां पे डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ था वो तुरंत फिर से खींच लेगा, तो यहां पे फिर से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और उसी स्थिति में आ जाएगा वो। पांच बने वो केनोकेल स्ट्रक्चर मारे, एक दो तीन चार पांच अनादि संरचनाएं बनी हुई है, यहां पे चेक करिए और यहां चेक करिए आप, बस बॉन्ड की स्थिति में चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है हमारा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपके? केवल और केवल हमारे क्या चेंज है, केवल और केवल यहां पर बॉन्ड, देखिए बॉन्ड का जो है क्रम चेंज हो गया है, स्थिति चेंज हुई, क्रम नहीं चेंज हुआ है। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 एकांतर क्रम में है, अल्टरनेट पे है हमारे, तो क्रम नहीं चेंज हुआ लेकिन बॉन्ड की स्थिति चेंज हो गई। और तीन संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें हेलोजन और बेंजीन की रिंग के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई, दो मिलकर बन रहे हैं बॉन्ड, तो यहां पे जब कोई अटैक करता था तो ये वाला बॉन्ड टूटता था, और ये वाला जब बॉन्ड टूटता था तो क्या होता था, यहां पर आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता था, लेकिन अब वहां पे सिंगल बॉन्ड था, यहां पर क्या है हेलोकेन में सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या है डबल बॉन्ड, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा डबल बॉन्ड का, कुछ ना कुछ तो प्रबलता बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो प्रबलता बढ़ी यहां पे हमारी। देखिए एक बॉन्ड तोड़ना, मैं मानता हूं कि पाई बॉन्ड दुर्बल है लेकिन सिग्मा के साथ में लगा हुआ है, तो अब देखिए अगर मुझे सिग्मा तोड़ना है, केवल सिग्मा, जैसे कि हेलो एल्केन में था,
मैंने 350 किलो जूल ऊष्मा खर्च की। अब यहां पे डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है, तो देखिए मुझे पहले तो पाई को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो मैंने मान लीजिए 100 किलो जूल ऊष्मा उपयोग की, और फिर मुझे सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ना है, तो उसके लिए मैंने मान लीजिए 400 किलो जूल ऊष्मा दी, तो टोटल ऊष्मा हमारे पास कितनी हो चुकी है, 500 किलो जूल। एक बॉन्ड बढ़ गया ना, तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है ना, ये याद रखना पॉइंट हमारा, क्लियर है ना, ओके ना। तो ये आप हेलो एरिन्स में जो है ये अनुनाद दिखाया गया है, ये क्या है हमारा, हेलो एरिन्स में अनुनाद, आप इसको नोट कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो एरिन्स में ये अनुनाद है, इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर ये पूरे, ठीक है ना, बना लोगे इसको अच्छे से बना लो आप लोग।